वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लास सिक्स चैप्टर सिक्स एंड योर चैप्टर नेम इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज सोन इन अ फिगर 6.1 ब्लो। यू विल नोटिस डैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रस्ड एंड सम फ्लैट। दिस लैंड फॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Without the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। द सरफेस इज बींग लोअर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ द इरोजन एंड रीबिल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। दिस टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस, विंड। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द इलेवेशन एंड स्लोप एट माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। दूसरी या भ्रमित प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरंदन कहते हैं। अपरंदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निरीक्षण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। माउंटेन्स, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। इट इज़ अ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। इन सम माउंटेन दे आर परमानेंटली फ्रोजन राइज रिवर्स ऑफ आइस। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन सी एज दे आर अंडर द सी। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन अ माउंटेन एरिया। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर द फार्मिंग। पर्वत, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स।
The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountain with rock relief and high colonial peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the processes of erosion. The Appalachians in the North America and the Ural mountain in Russia have rounded feature and low elevation. They are very old fold mountain. पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रह्मशोथ्य पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखवाकार है। भारत की अपर अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आल्पसियन तथा रूस के यूरेल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन अनदर वीडियो। अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।